अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त बिलाल नईम और आपका मेरे चैनल को एमबीए टेक में खुश आमदीद है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो कोई इशू है, कोई मसला है तो नीचे कमेंट कीजिए। आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं नीचे नए टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा। उसके अलावा अगर आपको मैं वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो आप अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपने दोस्तों के साथ से शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक मेरा टेक चैनल है। इस पे आपको टेक्नोलॉजी के मुताबिक हर किस्म की वीडियो मिलती रहेंगी। इसमें आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल न्यू ट्रिक्स, कंप्यूटर ट्रिक्स, मुख्तलिफ इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मोबाइल के टिप्स एंड ट्रिक्स का चैनल है। तो आज मैं अपने टॉपिक से थोड़ा सा हट के आपसे बात करने वाला हूँ। आज मैं अपने लिए एक चीज़ लाया हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो उसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। तो आज मैं लाया हूँ अपने लिए एक ट्राईपॉड स्टैंड, जिसका DK3888 इसका मॉडल है। अगर आपको नज़र आ रहा हो शायद सीधा सा, ये एक ट्राईपॉड स्टैंड है, एक नॉर्मल ट्राईपॉड स्टैंड है। इसमें चार फीचर है। एक तो इसकी रबर लेग टिप है, इसकी जो टिप है वो रबड़ की बनी है। दूसरा क्विक लेवलर है इस पर। इसमें चार सेक्शन लेग्स हैं, तीन नीचे इसको कायम रखने के लिए और एक इसकी मूव करने के लिए। और इसमें एक अदद ये 1020 मिलीमीटर ऊंचाई पे है, 350 मिलीमीटर अगर इसको क्लोज कर दें, अगर दो लेवल पे हो या 345 मिलीमीटर। इसका 16.8 मिलीमीटर ये निशान मुझे समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का, आपको समझ आ रहा तो आप देख लें। उसके अलावा 420 ग्राम इसका वज़न है। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। ये मेड इन चाइना का है। तो इसमें मेरा ट्राईपॉड स्टैंड है। ये सबसे पहले मुझे मोबाइल होल्डर मिला है इस पर मोबाइल अटैच करने के लिए। बाकी इसका कवर है खाली, लेदर बैग ये बिल्कुल खाली है। इसको छोड़ दें एक तरफ। सबसे बेस्ट चीज़ जो कैमरे को कंट्रोल करने के लिए, इसके अंदर रिमोट शटर मिला है। आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ये सेल ऑपरेटेड है, ये मोबाइल के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने ब्लूटूथ के ज़रिए। इसके अंदर यहाँ पे सेल डलता है। सेल डालने के बाद आप इसके ऊपर ये इसका लॉक दे दें। लॉक डालने के बाद ये कमर बंद हो गया है। इसको ऑन करने के लिए साइड पे आपको यहाँ बटन दिया हुआ है। इस बटन को जैसे क्लिक करेंगे आपको एक लाइट नज़र आएगी इसके ऊपर ब्लिंक करती हुई। ये इसकी निशानी की ये ऑन हो गया है। इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, इसको बाद में कनेक्ट करके आपको दिखाऊँगा। ये मैं इसका आपको लाइव दिखाऊँगा मोबाइल के ऊपर स्क्रीन गार्ड करके कि ये किस तरह से कनेक्ट होता है। इसके बाद ये मोबाइल होल्डर है, काफ़ी मूवेबल है, इसमें काफ़ी लचक है। बड़े से बड़ा मोबाइल भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। उसके बाद ये ट्राईपॉड स्टैंड है इसका, ये इतना है। ये इसकी तीन लेग्स है, देख सकते हैं आप, 1 2 3। ये इसकी सेंटर है इसका, ये यहाँ पे एक है। इसको पहले अनस्क्रू करेंगे क्योंकि इसके साथ स्क्रू अटैच्ड है। ये इसको कैमरे को इधर उधर, इसके ऊपर स्टैंड आपको मोबाइल होल्डर अटैच करके दिखा देता हूँ। हाँ ये तो जी दोस्तों, ये अटैच हो गया है। ये इसको आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, मोबाइल को आप चाहे सीधा रखना चाहें या इस सपोर्टेड मोड में, ये हर तरह से मूव हो जाता है। इसका एक और स्क्रू होता है, इससे आप मोबाइल को गोल अगर घुमाना चाहें तो गोल भी घुमा सकते हैं। ये इस तरह से भी हो जाता है और ये इस तरह से भी हो जाता है। इसके अलावा अगर ऊपर और नीचे की अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहें तो इस स्क्रू को ओपन करेंगे, ये ऊपर और नीचे भी हो जाता है।
इसको आप जिस तरफ भी करना चाहें मूवमेंट, ये बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड स्टैंड है। ये इसकी लेग्स है नीचे, इसकी लेग्स को ओपन करने के लिए बेसिकली यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद ये इस तरह से आप लेग ओपन कर दिए, उसके बाद दूसरी ओपन कर दें, इसके बाद तीसरी ओपन कर दें, तीसरी ओपन कर दी। तीसरी ओपन करने के बाद हाँ ये दोस्तों यहाँ से निकल गया। तीसरी ओपन करने के बाद ये आप ये लॉक बंद कर दें, जैसे वापस नहीं जाएगा। ये चीज़ वो बता रहे थे इसकी लेग्स के नीचे टिप है वो प्लास्टिक की लगी हुई है ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि ये एल्यूमिनियम के पाइप का बना हुआ है। इसको मैं दोबारा वापस बंद कर देता हूँ। इसके एक एक लग ओपन करके मैं आपको कैमरा व्यू के साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये इस तरह से होता है, इसको मैं सेट कर देता हूँ। ये अब तमाम स्क्रू हो चुकी है, अब नहीं हिलेगा। इसको ऐसे ऐसे करूँगा तो ये मूव होने की बजाय ये खुद हिलने लगेगा। ये अब टाइट हो चुका, फिक्स्ड हो चुका है। इसके अलावा आप इसको यहाँ से अनस्क्रू करके ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं, ये लाइक सेल्फी स्टिक। इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसको यूज़ करने के बाद आपको पता चलेगा। तो ये मेरा था ट्राइपॉड स्टैंड। अब बारी आती है इस शटर बटन की। ये शटर बटन मैं आपको मोबाइल कैमरा के साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम अपने मोबाइल में चले गए सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल में, आप और आपको कनेक्ट करके दिखा दो किस तरह आप इसे ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट कर सकते। जी तो दोस्तों हम अपने एंड्रॉइड डिवाइस में आ गए हैं। सबसे पहले आप स्क्रॉल डाउन पर जाएं, जाने के बाद ब्लूटूथ पर क्लिक करें, लॉन्ग प्रेस करें। लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसे टर्न ऑन करें और इस बटन शटर बटन को भी टर्न ऑन करने बटन जो मैंने आपको इसका बताया था। इसको ऑन करने के बाद आपको ए बी शटर का ऑप्शन, इसका नाम मिलेगा ए बी शटर। ये मेरा पहले से कनेक्ट हुआ इसलिए ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। ए बी शटर से कनेक्ट करने के बाद ये ए बी शटर के ऊपर कनेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद आप सब कुछ बैक कर दें। बैक करने के बाद आप सिंपली अपना कैमरा ओपन करें, देख सकते हैं ये मेरे हाथ में है। इसको मैं यूज करते हुए किस तरह से फोटो क्लिक कर सकता हूँ। ये पहले सबसे पहले आप देख रहे हैं मेरा जो फोटोज वाला सर्कल है वो, उसमें कोई फोटो शो नहीं हो रही। इस पर मैं बटन पे क्लिक करूंगा। ये एक iOS के लिए वर्क करता है और एक एंड्रॉइड के लिए, और मेरे मोबाइल पर दोनों वर्क करते हैं। आप अपने मोबाइल के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं पहले छोटे वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। हाँ फोटो मोड में आने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये मेरी पे क्लिक कर लेगा, इसको तस्वीर बना लेगा। इसको दूसरे पे क्लिक करें, क्लिक कर दें। अब आप देख सकते हैं वो जो डार्क मेरा फोटो वाला सर्कल था उस पर मेरी फोटो नजर आ रही है आपको, जिस पे मैंने ये पकड़ा हुआ है। तो इससे शोर है कि मैंने हाथ लगाए बगैर अपनी पिक क्लिक कराई है सिर्फ और सिर्फ इससे क्लिक करके। ये जैसे इस पर क्लिक होता है साथ में आपको ब्लू लाइट भी नजर आएगी, देख सकते हैं ब्लिंक करती हुई नजर आएगी। अगर आपकी फोटो क्लिक होगी तो इसके ऊपर आपको ब्लू लाइट नजर आ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का ये था मेरे वीडियो का टॉपिक। तो आज की वीडियो खत्म होती है। अल्लाह हाफिज़।